हाय गाइस, आज हम बनाएंगे मिक्स पंजाबी दाल, जिसे आप रोटी, नान, पराठा सभी के साथ खा सकते हो। ये मैंने सारी मिक्स दाल ली हुई है एक्सेप्ट चने की दाल, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है कुकर में 4 से 5 सीटी लगा के, और चने की दाल को मैंने अलग से बॉईल किया है ताकि ये जो दाल है वो गल ना जाए साथ में। अब हम एक पैन ले लेते हैं, फ्लेम ऑन करके हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच जितना ऑयल और कुछ 1 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डाल देते हैं, और जीरा थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम इसमें लहसुन डाल लेते हैं। लहसुन के बाद हम 1 चम्मच जितनी चिली पेस्ट ऐड कर लेते हैं। इसको भुनने के बाद हम हींग ऐड करेंगे, और एक बारीक कटा हुआ टमाटर और प्याज ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छे से सोते कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जितना धनिया जीरा पाउडर, और तकरीबन 2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और इसको अच्छे से सौते कर लेते हैं। अब हम इसमें एक छोटा सा कैप्सिकम जो बारीक कटा हुआ है वो डालेंगे, और 1/2 चम्मच जितना किचन किंग मसाला डाल देंगे, और दाल को डाल के मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप जितना पानी ऐड करेंगे, 1/2 नींबू का रस ऐड करेंगे, और कसूरी मेथी ऐड करके इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ढककर पकने देंगे। आप देख सकते हो कि अब ये दाल बनकर एकदम रेडी है। हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। ऊपर से 1 चम्मच घी डाल के हम इसे रोटी, नान, पराठा उसके साथ सर्व करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।